वेलकम गाइस, दिस इज राजकुमार गिरी। आप देख रहे हो 3ds मैक्स बेसिक्स पार्ट 2 होने वाला है। आज हम सिखाएंगे कैसे आप लोग अलाइनमेंट कर सकते हो, कैसे अंडू रीडू वगैरह वगैरह। चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारा वीडियो की तरफ। तो पहले क्लास में हम बताया व्यू पुट क्या होता है, व्यू क्या होता है, मॉडिफाई क्या होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट सम इम्पोर्टेंट थिंग्स दैट। सोचो हमने एक बॉक्स लिया, इधर टॉप में ड्रॉ किया, ओके okay? इसका हम इधर मॉडिफाई में जाएंगे। मॉडिफाई में जाके हम देखेंगे इधर क्या लेंथ विथ और हाइट दिया हुआ है। इसका आप यूनिट देख सकते हो क्या है, मीटर में दिया हुआ है, मीटर मीटर मीटर, लेंथ विथ एंड हाइट, ओके। अगर किसी का रिक्वायरमेंट है कि वो फीट में लेगा या सेंटीमीटर में लेगा, मिलीमीटर में लेगा, वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके लिए हम क्या करेंगे, कस्टमाइज में जाएंगे। इधर हमारा है यूनिट सेटअप, यूनिट सेटअप के अंदर जाएंगे। यूनिट सेटअप के अंदर देखिए हमारा ये है यूएस स्टैंडर्ड, यूएस स्टैंडर्ड के अंदर फीट, बहुत सारा फीट होता है जो जिसका जो यूज करना है, ओके। इसका मिलीमीटर सेंटीमीटर किलोमीटर में भी अभी यूज कर सकते हो, हम सोचो इधर मिलीमीटर में करेंगे, ओके। और एक दिक्कत होता है क्या, हम लोग काम करते 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 इतना तक चला जाता है कि उसको और अंडू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर में बाय डिफॉल्ट उसका अंडू वैल्यू रहता है 20। अगर हम इसको एक्सपेंड करना चाहते हैं यानी कि बढ़ाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, तो कस्टमाइज में जाएंगे, उसका प्रेफरेंस में जाएंगे। ये देखो इधर हमारा है सीन अंडू लेवल, ओके। ये माउस के कर्सर जहाँ दिखा रहा हूँ उधर लिखा हुआ है सीन अंडू लेवल्स 500 है, बाय डिफॉल्ट 20 रहता है। ये इसको बढ़ा के 500 हम कर लिया, आप कुछ भी वैल्यू कर दो, 100 200 300 कुछ भी कर सकते हो, तो इससे तुम्हारा आसानी होगा कुछ, ओके ओके कर देंगे तो ये सेटअप रह जाएगा। अगर W प्रेस कर से W यानी कि मूव रोटेट E एंड R स्केल। सो अब देखो, अब हम अलाइनमेंट करेंगे। सोचो हम टॉप में जाएंगे, ए X में कितना वैल्यू गया है, Y में कितना वैल्यू गया है, Z में कितना, ये हमको पता नहीं है। इसको हम पता करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखो मूव टूल है, मूव टूल के ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने से देखो ये जो हमारा जो दोनों ब्लैक पॉइंट, ब्लैक कलर का पॉइंट, ये अगर हम टॉप से देखेंगे तो ये है y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। ये अगर प्लस x होता है तो ये माइनस x होगा, ये अगर प्लस y होगा तो ये माइनस y होगा। तो उसके हिसाब से हम अगर बॉक्स को इधर प्रेस किया तो z हमारा जीरो है, मतलब वो ग्राउंड पे ही स्टैंड है, ओके। y माइनस 252.523 mm, मतलब वो नीचे की तरफ गया है, और x का हम बोला था a प्लस है तो a माइनस होगा, a भी हम देखो a माइनस में चला गया। तो इसका अगर हम जो लोग डिजाइन करते हैं क्या होता है, पर्सपेक्टिव में अगर हम जाएंगे p फॉर पर्सपेक्टिव, तो उधर देखो इधर हमारा वो जो ग्रिड है इसको बोलते हैं ग्रिड, हाँ, वो ग्रिड के अंदर नहीं है। ग्रिड के अंदर मतलब ग्रिड के अंदर तुम एक वर्ल्ड खड़ा कर सकते हो, इस ग्रिड के अंदर आसानी होता है। अगर बाहर गया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आसानी होता है। ये देखो ये जो वैल्यू है ना, ये सबका जीरो 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 वैल्यू है, एक्स का भी जीरो, वाई का भी जीरो, जेड का भी जीरो। अगर हम इसको जीरो वैल्यू में लाना चाहते हैं तो पहले क्या करेंगे, इसके मूव टूल के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और ये एक्स को जीरो, वाई को जीरो, जेड को भी जीरो, सॉरी जीरो, एंटर, ओके। देखो ये हमारा जीरो में चला गया, ठीक है। ऐसे रोटेशन में भी कर सकते हो, अगर तुम्हारा
सोचो यहाँ पे रोटेट हो गया, तो देखो वाई में रोटेट हुआ, इसको तुम जीरो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। स्केल में भी कर सकते हो, 100 स्केल है, आप 0 0 कर दोगे तो एकदम छोटा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका परसेंटेज के पकड़ के भी आप सोचो, इसका 50% आप स्केल करोगे तो 50% आ जाएगा। ओके, अब हम आते हैं अलाइन के बारे में। ओके, अलाइन क्या होता है सोचो, ये हमारा एक बॉक्स है, इसका अंदर हम एक स्पेयर क्रिएट में जाएंगे, स्पेयर स्पेयर लेंगे, इधर हम ड्रॉ किया। अब हम चाहते हैं क्या, स्पेयर को बॉक्स के एग्जैक्ट, स्केयर को हम थोड़ा स्केल करते हैं, स्पेयर को बॉक्स के एग्जैक्ट मिडिल में लाना है, ठीक है। तो क्या ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, मूव टूल लेके कर सकते हैं। मूव, देखो मूव टूल में इधर बहुत सारा जो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल है बहुत सारा है। ये है सेंटर पिवोट, ये जो बोलता है इसको बोलता है पिवोट, पिवोट पॉइंट। ओके, ये मिडिल वाला है सेंटर पिवोट, ज्यादातर इसको यूज करते हैं, और ये अप एंड डाउन होता है। ओके, अप एंड डाउन हम सेंटर ही करेंगे, और इसको अलाइन अगर ऐसे करके लाएंगे तो ठीक से नहीं बैठेगा, जितना भी टेंस टू जीरो हो सकता है बैठा दिया, लेकिन परफेक्ट नहीं बैठेगा, कभी भी आसानी नहीं है इतना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, टूल्स में जाएंगे हम, टूल्स में जाके अलाइन, अलाइन में जाके इधर देखो ऊपर वाला है जो अलाइन, ऑल्ट प्लस ए, इसको क्लिक करेंगे। ओके, जहां में हम अलाइन करेंगे उसके ऊपर क्लिक करेंगे, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम अलाइन करेंगे उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक किया, इधर देखो हमारा मिनिमम सेंटर पिवोट पॉइंट पोजीशन, एक्स पोजीशन वाई पोजीशन जेड पोजीशन में है पिवोट पॉइंट, और अलाइन लोकल इसको भी कर सकते हो ऑन, और मैच स्केल मतलब स्केल दोनों दोनों की जो जितना जो हाई लेंथ विथ हाइट है उसके हिसाब से ये हो जाएगा। तो इसका कोई जरूरी इतना नहीं रहता है, रहता है कि इसको मिडिल में लाना है। तो इसके लिए बहुत आसान है ये टूल्स, अलाइनमेंट बहुत काम में आता है, इसको ओके कर देगा तो ये आ जाएगा। ओके, थोड़ा ऊपर हम कर लिए, लगता है आप ठीक से अलाइनमेंट नहीं हुआ, अलाइन इसके ऊपर सेंटर में करेंगे, मिनिमम वाई जेड को सेंटर, मिनिमम मैक्सिमम। ओके चलो, इसको तो अलाइन तो हो गया, थोड़ा ऊपर कर लिया हम, अब हम सीखेंगे एक मजेदार चीज, थोड़ा सा मॉडिफाई दिखाएंगे हम। सोचो हमने इधर एक प्लेन लिया, F3 से आता है वायर फ्रेम। ओके, ये हमारा प्लेन है, इसका सेगमेंट इतना है, तो इसका मॉडिफायर में जाके मॉडिफायर पैरामेट्रिक डिफॉर्मेट, इधर देखो हमारा है बेंट। ओके, बेंट हम करेंगे, एंगल इधर दिया हुआ है, और हम सोचो इसका जेड में करेंगे डायरेक्शन, इसका हम बेंड का गिज़्मो को हम चेंज करेंगे, और सॉरी इसको हम कर देंगे 0। एक्स में अगर जाएगा तो ये एक्स एक्सिस में बेंड होगा, वाई में जाएगा तो वाई में बेंड होगा, ज़्यादातर क्या होता है एक्स एक्सिस में ही बेंड करना पड़ता है, और जेड में करेंगे तो हाँ आप ठीक है, एक्स में ये हो सकता है, तो एक्स का वैल्यू बढ़ाओ,
तो ऐसे बेंड कर सकते हो। ओके, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और एक बार हम दिखा रहा हूँ, लेफ्ट में जा, लेफ्ट में, हम लेफ्ट में गया और क्रिएट में जाके एक प्लेन लिया, क्लियर। प्लेन जितना सेगमेंट ज़्यादा होगा उतना बेंड अच्छा होगा, ठीक है। यहाँ पे मॉडिफायर पैरामेट्रिक डिफॉर्मर, सीधा हमारा बेंड, तो बेंड में जाके हम पर्सपेक्टिव में गए, पी फॉर पर्सपेक्टिव। इधर हम एक्स में जाके अगर वैल्यू बढ़ाएंगे तो बेंड होगा, क्लियर। अगर एक मज़ेदार चीज़ होगा, क्या सोचो, हमने इधर एक टेक्स्ट लेंगे, टेक्स्ट के लिए हम क्या करेंगे, ये जो शेप टूल है ना, शेप टूल के अंदर जाओ, इधर हमारा टेक्स्ट है, टेक्स्ट में क्लिक करके इधर देखो नीचे की टेक्स्ट लिखा हुआ है मैक्स टेक्स्ट, इसको सोचो कोई भी एक्स वाई जेड हम लिख दिया, सॉरी एक्स वाई एंड जेड, देखिए इधर क्लिक कर दो तो वो टेक्स्ट इधर आ जाएगा, ठीक है। इसको तुम अगर बेंड करना चाहते हो तो मॉडिफायर पैरामेट्रिक डिफॉर्मर्स बेंड एक्स में करो, पर्सपेक्टिव, ठीक है, बेंड हो रहा है अच्छे से। अगर ये तो हमारा एक स्प्लाइन मोड में है, इसको स्प्लाइन बोलते हैं, इसको अगर हमको पूरा पॉलीगॉन्स के अंदर देखना है तो कैसे, क्या करना है, मॉडिफायर पैरामेट्रिक डिफॉर्मर्स, इधर देखो सब डिवीजन सरफेस ना, इधर नहीं है, तो इधर इधर जो मॉडिफायर लिस्ट है ना, उधर में जाके तुम एक्सट्रूड अप्लाई करो, एक्सट्रूड ई फॉर ई प्रेस करो तो एक्सट्रूड आ जाएगा, ई एक्सट्रूड, अच्छा हम पहले बेंड को ऑफ करते हैं उसके बाद एक्सट्रूड देते हैं, F3 प्रेस करते हैं, अच्छा वो हमारा वायर फ्रेम में था इसीलिए नहीं दिखा रहा था। अब हम इधर से ही बेंड दे सकते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं, बेंड इसका एक्स का, बहुत सारा मॉडिफायर है तो वो देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।